हेलो गाइस एंड वेलकम टू राइड फॉर मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताना लूँ होंडा यूनिकॉर्न 2024 मॉडल की कमियां। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सबसे पहले बता दूं इस बाइक का फुल रिव्यू, टेस्ट राइड रिव्यू और साथ ही साथ पॉजिटिव पॉइंट वाला वीडियो अपने चैनल के ऊपर आ चुका है। और ये वीडियो देखने से पहले आप पॉजिटिव पॉइंट वाला वीडियो देखो, आपको पूरा का पूरा समझ में आने लिए है होंडा यूनिकॉर्न 2024 मॉडल। कमियां का मतलब इससे ये नहीं होता कि बाइक ख़राब है या फिर बेकार है, बाइक बहुत अच्छी है। हर एक बाइक के अंदर आपको कमी मिलती है, चाहे आप स्प्लेंडर ले लो या फिर कावासाकी H2R। तो आपको अब मैं बताने वाला हूँ इस होंडा यूनिकॉर्न 2024 मॉडल की कमियां जो कि होंडा को अपडेट करना चाहिए। सबसे पहले कमी की बात करूँ तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। यहाँ पर आपको ऑल हैलोजन सेटअप देखने को मिलता है, हेडलाइट हो, टेल लाइट हो, इंडिकेटर हो, सब कुछ हैलोजन मिलता है। एटलीस्ट हेडलाइट LED आ जाए तो मज़ा आ जाए क्योंकि इसका इल्यूमिनेशन कम है। अगर LED हेडलाइट आ जाए तो बाइक और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगी सामने से, और इसका इल्यूमिनेशन ज़्यादा होने की वजह से रात में इसको लेकर निकलने के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और LED हेडलाइट से मेरा मतलब है ऐसी LED हेडलाइट जो कि CB200X में नहीं SP125 या फिर SP160 में आती है। देखो इसके अंदर कितनी अच्छी LED हेडलाइट है, यहाँ तक कि 125 cc की SP125 में भी आपको LED हेडलाइट ऑफर करता है होंडा। लेकिन यूनिकॉर्न के अंदर क्लासिक बाइक रहने की वजह से अभी तक भी हैलोजन मिलता है। कम से कम इसके बल्ब का जो इल्यूमिनेशन है वो तो बढ़ाना चाहिए होंडा को। तो यहाँ पर पहली कमी देखने को मिलती है आपको इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। दूसरी कमी है टायर्स। यहाँ पर आपको पतले टायर मिलते हैं सेगमेंट के हिसाब से, 150 से 160 cc कैटेगरी में सबसे पतले टायर इसके अंदर आते हैं। सामने आपको 80x100 का टायर मिलता है और लगभग 18 इंच का अलॉय व्हील है। यहाँ पर अलॉय व्हील का डिज़ाइन अच्छा है लेकिन 80x100 का फ्रंट टायर मेरे को पतला लगता है जो कि थोड़ी कम ग्रिप प्रोवाइड करेगा इस सेगमेंट के अंदर। और पीछे वाला टायर भी आपको ज़्यादा मोटा नहीं मिलता, 100x90 का टायर मिलता है रियर में। और टायर की क्वालिटी अच्छी है लेकिन जो साइज़ है थोड़ा कम लगता है कॉम्पिटिशन के हिसाब से। इसी प्राइस में आपको दूसरे बाइक मिलते हैं जो कि ज़्यादा मोटे टायर्स प्रोवाइड करती है। इस बाइक के अंदर उतने मोटे टायर नहीं आते और उनके अंदर क्या है, कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़ अच्छी रहती है, दिखने में भी अच्छी लगती है वो बाइक, और साथ ही साथ क्या है ग्रिप भी अच्छी मिलती है उन मोटे टायर्स की वजह से। लेकिन होंडा ने इसके अंदर अभी तक कोई मोटे टायर का अपडेट नहीं दिया। सामने 80 सेक्शन का टायर, पीछे 100 सेक्शन का टायर, कम से कम पीछे 120 सेक्शन टायर आना चाहिए और सामने 90 सेक्शन टायर, तब जाके यूनिकॉर्न और ज़्यादा मस्कुलर लगेगी और अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर आपको दूसरी कमी मिलती है मोटे टायर्स की। तीसरी कमी है रियर डिस्क की। यहाँ पर आपको सिंगल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS मिलता है। ब्रेक्स जो इसके अंदर आते हैं बहुत ही अच्छे हैं, सामने आपको 240mm का डिस्क मिलेगा ABS के साथ, लेकिन पीछे ड्रम मिलता है 130mm वाला जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहता है। इसकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है रियर वाली वो बहुत ही कम रहती है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन। अगर अपन SP160 को देखें तो यहाँ पर डुअल डिस्क का एक एक्स्ट्रा वेरियंट मिलता है जो कि अच्छी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देता है। वैसे ही यूनिकॉर्न के अंदर भी एक्स्ट्रा वेरियंट आना चाहिए डुअल डिस्क का, जिससे क्या है ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, पीछे से लुक भी अच्छा लगेगा और ज़्यादा सेफ रहने वाला है राइडर। तो यहाँ पर क्या है पीछे ड्रम रहने की वजह से मेरे को थोड़ा बहुत कमी लगती है इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के अंदर जो कि रियर टायर से आती है। तो यहाँ पर तीसरी कमी है रियर डिस्क ब्रेक की। चौथी कमी की बात करूँ तो वो आता है डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आपको फुल एनालॉग मीटर मिलता है। एनालॉग मीटर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यहाँ पर फीचर्स भी अच्छे खासे आने चाहिए ना। यहाँ पर आपको सिर्फ स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टैकोमीटर और फ्यूल गेज यहाँ मिलता है, इंजन चेक लाइट, लो बीम, हाई बीम लाइट, ये सब नॉर्मल से फीचर्स मिलते हैं। लेकिन ना ही आपको मोबाइल कनेक्शन मिलेगा, ना ही गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा, ना ही इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, ना ही एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ऐसे फीचर्स आपको नहीं मिलते इसके मीटर में, जो कि मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि होंडा को देना चाहिए यूनिकॉर्न के अंदर, क्योंकि बाइक बहुत अच्छी है। इंजन को मैं 10 out of 10 देना चाहूँगा लेकिन बात करूँ फीचर्स की तो यहाँ पर फीचर्स बहुत कम रहते हैं होंडा यूनिकॉर्न के अंदर। थोड़ी क्लासिकल बाइक है, थोड़ी ओल्ड है, लेकिन बाइक के अंदर क्या है इंजन के अलावा दूसरा कोई चीज़ अपडेट नहीं की गई होंडा के द्वारा। होंडा को थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि मैंने अब तक आपको 4 कमियाँ बताई होंडा यूनिकॉर्न के अंदर। बाकी आपको ये कमियाँ कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना। और पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करो तो पॉजिटिव पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी हो गई, जैसे कि सामने का ब्रेक हो गया, पीछे का ब्रेक तो कमियों में आता है, कंफर्टेबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी क्योंकि सीट बहुत अच्छे मिलते हैं, सस्पेंशन भी आपको अच्छे मिलते हैं इस प्राइस में, और साथ ही साथ यहाँ पर 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है आपको,
और यहाँ पर क्या है, होंडा की ब्रांडिंग रहने की वजह से बाइक बहुत ज़्यादा बिकती है। साथ ही साथ इसका इंजन भी बहुत ही बड़े पॉजिटिव पॉइंट में आता है। पॉजिटिव पॉइंट्स भी अच्छे हैं इसके अंदर, आप पॉजिटिव पॉइंट वाला वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा कि बाइक कैसी है। टेस्ट राइड रिव्यू भी अपने चैनल के ऊपर जल्द ही अवेलेबल होगा 2024 मॉडल होंडा यूनिकॉर्न का। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा यूनिकॉर्न 2024 मॉडल के नेगेटिव पॉइंट्स या फिर कमियां बताई। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।